कुर्सी पर बैठी हो? एक्चुअली क्या है ना कि जब तक मैं यहाँ नहीं बैठूंगी बेचारा कब के खाना नहीं खा पाएगा. सो कैन आई सिट हियर प्लीज, कैन यू सिट समवेयर एल्स? ये देखो गोपियां बदल गई लेकिन कन्हैया अभी भी बीच में ही है. अब ये जब बिना संगीत के संगीत कुर्सी का खेल खेल लिया गया हो तो रोटी शोटी खा लीजिए. आओ इतने टाइम से टच में भी नहीं है, इसलिए मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता ही नहीं है. तुम्हारी शादी हो गई कि नहीं अभी तक? सिंगल है. इसे कैसे पता? इसे सब पता. वो अंगूठी नहीं है ना हाथ में, तो मुझे पता चला. या ही इज राइट, मैं अभी भी सिंगल. वैसे तुम वेट क्यों कर रही हो? तुम्हें तो शादी कर लेनी चाहिए. ऑफ कोर्स समायरा, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, अब तुम्हारी उम्र हो गई. अरे मॉम, इतने फिर से बांगड़ा बनाई, इसमें कितने कांटे होते हैं. यू शुड मेक पिंक सामुन और बासा फॉर मी, आई डोंट लाइक दिस. दिस इज सो डिलीशियस. मुझे नहीं खानी. नहीं बेटा, देखो तुम्हारी आत्मा चली गई है, इसलिए हम तुम्हें याद दिलाते हैं. तुम हमेशा शान को मच्छी में से काटा निकाल के मच्छी खिलाती हो. ओके, आप कहती हो तो मैं मान लेती हूँ. इस मच्छी में से काटे निकालने का फीचर मुझ में है. गुड गर्ल. बट यू माइंड स्वीट लग रहे हो तुम दोनों. वैसे मुझे याद है समायरा ऐसे ही शान को मच्छी से काटा निकाल के खिलाया करती थी. अब उसकी जगह रजनी ने ले ली है ना मम्मी जी? हाँ मैकी, कहा कब क्या बोलना है. इसका अगर पुरस्कार होता तो सरकार तुम्हें ही दे देती. सच समायरा पुत्र, आजकल कहाँ रहना हो रहा है? वहीं जहाँ पहले रहती थी. समायरा घर में नहीं, सर्विस अपार्टमेंट्स में रह रही है. रजनी, तुम चुपचाप खाना खाने का क्या लोगी बेटा? I hope ये फीचर तुम में है. मुझे चेक करना होगा सुरीली. सुरीली? रजनी, ये तुम्हारी सासू माँ है. सासू माँ का? सासुमा, इंटरेस्टिंग साउंडिंग वर्ड. पुत्र, तो जड़ा वो की कहंदे ने सर्विस अपार्टमेंट में क्यों रह रही है? कोई गल है? एक्चुअली अंकल, मेरे घर में रेनोवेशन चल रहा है, 2-3 महीने तक एक्सटेंड होने वाला है, इसीलिए मैं सर्विस अपार्टमेंट में रुकी हूँ. गलत बात है पुत्र, ना गलत बात है. हमारे रहते हुए तू किराए के मकान में रहे, ये गलत बात है भाई, बिल्कुल गलत बात. नो अमरीश, इतने भी गलत बात नहीं है. कमाल कर रही है, ये भी हमारी बच्ची जैसी नहीं है. ना बता, ना मैंने एक बार भी तेरे मुंह से ना नहीं सुननी है.
एक मिनट रजनी पुत्र, समेरा पुत्र इधर रह जाए तो तुझे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मुझे तो खुद अभी पता चला है कि मैं यहाँ रहने वाली हूँ। किसी और के यहाँ रहने से मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है अमरीश? अमरीश? अमरीश नहीं बोलती। पाओ जी बोलो। पाओ जी, another interesting sounding word. हाँ समायरा, पापा सही कह रहे हैं। तुम रुकना चाहो तो रुक जाओ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सच्ची? यस समायरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हे भगवान, इतनी अच्छी पत्नी हमने आज तक नहीं देखी। अच्छी तरह से जानते हो अमरीश, हमारे गुस्से से बच पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। यार बगालन मेरी शेरनी, तेरी फालतू की टेंशन लेके बैठी है यार। वही जान और कीना हो ना। समेरा, समेरा के बीच में जो कुछ भी था था, वो दोनों ही कब के भूल भुला के बैठे हैं। तू काम का हो? ओह रियली? डाइनिंग टेबल पे तुमने देखा नहीं, उस लड़की को देख के शान कैसे भोकरी बन गया था। हमको एक बात बताओ, तुम मर्द हो ना? यार ये मजाक मजाक में कैसे सवाल पूछ लिया यार तूने? तीन जवान हट्टे कट्टे बेटे, एक नखरेल बेटी, जसप्रीत ते गुरप्रीत भी हो सकते थे जे तू। ओह शट अप, हमारा कहने का मतलब ये नहीं था। हम ये कह रहे थे अमरीश कि जब भी किसी मर्द को उसका पहला प्यार दिखता है तो वो एकदम बकरी बन जाता है। हाँ कुछ भी कुछ भी। इसका मतलब जे मेरा पहला प्यार इस घर में वापस आ जाए अभी तो मैंने उसके सामने बकरी बन जाना है। इंटरेस्टिंग, आज तक हम समझ रहे थे अमरीश कि तुम्हारा पहला प्यार हम है। कौन थी वो लड़की? ओ छड़ी यार, इन्हीं पुरानी गल्ला किसको याद रहती है यार। मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। यार मुझे तो ये भी याद नहीं है कि वो इन्ने इन्ने से थे। वो दो चोटियां बना के लाल रिबन बांध के स्कूल आती थी। मुझे कुछ भी याद नहीं। प्लीज स्टॉप इट, तुम मर्द लोग सब ऐसे ही होते हो। देखो हमको उस लड़की के साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस उस लड़की की वजह से शान और रोशनी की शादी के बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर तुम ये करो ना अमरीश, तो हम तुम्हें मार मार के सीधा कर देंगे। रोशनी ऐसी नहीं है, तुमने देखा ना डाइनिंग टेबल पे उस लड़की के साथ कितने प्यार से बात कर रही थी। एक गल सुनिए, मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा बेटा पूरा का पूरा अपने बाप पे गया हुआ है। और जिस तरह उसके बाप को उसकी माँ के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, उसी तरह शान को रजनी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। जिस तरह ये अमरीश कांत सुरीली कांत के प्यार में पागल हुआ पड़ा है, उसी तरह शांत कांत रजनी कांत के प्यार में पागल हुआ पड़ा है। सब तो वधिया गल पता है की है गी? कि हम दोनों की बीवियां है ही नहीं कमाल की कि बाकी की दुनिया जाए। अच्छा हमको एक बात बताओ, उस लड़की का नाम क्या था? दिलप्रीत। दिलप्रीत, सब कुछ याद है और हमें बोल रहे हो कुछ भी याद नहीं। आउट अमरीश। यार सुरीली एक बात बताओ। I said out. यार एक गाल की हो गई यार। वो ना दल
चले जाओ यहाँ से। यार श्री दरवाजा बंद करो। नीलपुरी 40 साल के बाद कहाँ से आ गई? वेलकम सैम, ये हमारा गेस्ट रूम है, लेकिन आज से ये रूम तुम्हारा है। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। ओके, थैंक्स शर्मिला, इतने सालों बाद यहाँ पर आई, लेकिन यहाँ की एक चीज है जो अब तक नहीं बदली। एड्रेस? नहीं, मेरा मतलब है यहाँ की मच्छी, वही स्वाद वही खुशबू। मच्छी से याद आया, हमने डिनर में बहुत सारा खाना खा लिया है ना, चलो गार्डन में जाके वॉक करते हैं। वॉकिंग करने से हमारा फिगर भी मेंटेन होगा, है ना? गुड आइडिया। हाँ चलो चलो। तुम नहीं मैगी, मैं और मेरी बहन सैम जाएंगे वॉकिंग के लिए। यू नो, बहन बहन में आपस की बातें होगी, आपस की बातें। चलो। एक्सक्यूज मी यू टू, चलो। क्या सोच रही हो मैगी भाभी? रजनी, तुम जानती हो समायरा और शान बचपन के दोस्त हैं। जी हाँ, आज ही पता चला। और पता है, इन दोनों की दोस्ती बहुत ही गहरी है। दोस्ती तो खास होती है, गहरी तो खाई होती है। पर अगर तुम ये बात नहीं समझी तो ये बात तुम्हारे लिए खाई बन जाएगी। मेरी बात समझो रजनी, एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, ये रूल है। ये रूल मुझे आज ही पता चला। अब तो पता चल गया ना, थैंक्स टू मी। ये पत्ती नाम के जो आइटम होते ना, बहुत ही हिलू डुलू किस्म के होते हैं। इन्हें काबू में करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। पापड़ का पति से क्या ताल्लुक? ताल्लुक है रजनी, बहुत गहरा ताल्लुक है। पता है, एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे ज्ञान ने मुझ पर ध्यान देना छोड़ दिया था। फिर एक सुबह मैंने उल्टी करने का नाटक किया और मैंने उन्हें बोला कि मुझे इमली खाने का बहुत मन कर रहा है जी, तो उससे लगा मैं प्रेग्नेंट हूँ और वो मेरे आगे पीछे घूमने लगा। और पता है, उसने मुझे हार भी गिफ्ट दिया। वेरी बैड है, झूठ बोलना पाप होता है, नदी किनारे साफ होता है। अरे कितनी डम हो तुम, झूठ बोलने के बाद नदी किनारे मत जाओ, सांप नहीं काटेगा। ऑलराइट, आपकी बात भी सही है। मैं हमेशा सही कहती हूँ, इसलिए तो तुम मेरी इज्जत करती हो रजनी। अपने पति को काबू में रखने वाली पत्नी बनना, वरना वो तुम्हें छोड़ के चला जाएगा, फिर क्या करोगी? दूसरी शादी करूंगी। हाँ, शर्म। और कल अगर तुम्हारे निक्के निक्के चिंटू पिंकी बच्चे हुए तो, और वो छोड़ के चला गया, तुम अकेले कैसे रहोगी? करेक्ट, निक्के निक्के चिंटू पिंकी हो गए, फिर क्या करूंगी? तभी तो मैं कह रही हूँ, अपने पति पर लगाम कसने वाली पत्नी बनो और मेरे साथ बोलो, मेरा पति सिर्फ मेरा है। बोलो रजनी। ओके, डन। मेरा पति सिर्फ मेरा है। हाँ, पत्नी मोड ऑन। मैगी भाभी, शाम मुझे धोखा नहीं दे सकते। अरे रजनी, तुम कौन सी दुनिया में रहते हो? ऐसा कोई पति नहीं है जो पिस्लू टाइप्स नहीं होता। मैं तुम्हारे साथ शर्त लगा सकती हूँ, आज रात सबके सोने के बाद शान चोरी चोरी चुपके चुपके समायरा को मिलने आएगा, गारंटीड। नहीं, शान चोरों की तरह नहीं आएंगे। आएगा रजनी, आएगा। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो शर्त लगा लो, अगर वो नहीं आया तो तुम जीत, और अगर वो आया तो तुम्हारा मकसद अपने पति को अपने काबू में रखना होगा। मंजूर है? ओके, डील डन। एक मेमोरी चिप संभाल के नहीं रख सकता। मेमोरी चिप देखे गलती की नहीं, दोस्त बना की गलती की, लैब में घुसने दिया गलती की, चला इतनी इंपॉर्टेंट चीज संभालने। देव को क्या कोस रहा है पगले? शट अप। अबे तू फिर आ गया। तू भी तो कहां संभाल के रख पाया अपना दिल। व्हाटएवर, जो भी बोलना, ये लाइट कम करके नहीं बोल सकता तू। हां मेर, कहां गया? जब जब तेरे दिमाग का फ्यूज उड़ेगा
तो तेरे दिमाग को जंप स्टार्ट करने मैं प्रकट होता रहूंगा। ये बत्ती बुझा के बत्ती जलाने की बात कर रहा है, पागल हो गया है क्या तू? पागल मैं नहीं, तू हो गया है बच्चे समायरा के प्यार में। तितलियां फड़फड़ा रही हैं तेरे पेट में, गुदगुनिया हो रही हैं तुझे समायरा के नाम से। देख बेकार की बातें मत कर, जो बोलना डायरेक्टली बोल। आए हाय हाय, आग लगी पड़ी है दिल में, पता कर समायरा के दिल में क्या है। कि क्या तू अपना दिल समायरा के गराज में पार्क कर सकता है? दिल गराज पार्किंग? सीधे सीधे नहीं बोल सकता, बताना क्या चाहता है सिंपल भाषा में? चाहता मैं वही हूं जो तू चाहता है। जाके समायरा को पूछ उसके दिल में तेरे लिए फीलिंग्स हैं या नहीं, तुझसे प्यार करती है या नहीं, नहीं तो पूरी जिंदगी एक रोबोट के प्यार में रहेगा और प्यार के नाम पे बस सिस्टम अपडेट करते रहना और पागलों की तरह नाक खुजा के अपने आप से बातें करते रहना। करेक्ट, मुझे पता करना होगा समायरा मुझसे प्यार करती है या नहीं। गुड बॉय, आई एम सो प्राउड ऑफ मी, आई एम ऑल्सो सो प्राउड। हेलो, समायरा तुम सो गई? मुझे कितने जोर जोर से इमोशंस आ रहे हैं, बाहर निकालना चाहता हूं मैं। समायरा तुम्हारे जाने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैं तुम्हें कितना मिस करता हूं, मुझे तुम्हारी कितनी जरूरत है। थैंक गॉड तुम वापस आ गए, तो मुझे लगता है मैं तो अकेला ही रह जाता। देखो समायरा, मैं जानता हूं तुम मेरी और रजनी की शादी वाली बात को लेके बहुत नाराज हो, मुझे तुम्हें बताना चाहिए था पर मैं तुम्हें बता सकता नहीं था, इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ट्रस्ट मी। ये बात तो मैं किसी को नहीं बता सकता। समायरा देखो, शादी तो मैं तुमसे करना चाहता हूँ, रजनी तो मेरी पति सिर्फ मेरा है। रजनी तुम यहाँ क्या कर रही हो? गलत सवाल। सही सवाल तो ये है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बीच रात एक पराई लड़की के कमरे में उस पर डोरे डालने आए हो? एक बार भी नहीं सोचा कि रजनी के दिल पर क्या बीतेगी? तुम्हारा दिल? हाँ मेरा दिल। हमारे होने वाले निक्के निक्के चिंटू पिंकी के बारे में भी नहीं सोचा? चिंटू पिंकी कौन है? हे भगवान, हमारे होने वाले बच्चों का नाम भी भूल गए तुम? बच्चे कब हो गए हमारे? अरे जब होंगे तब उनको क्या मुंह दिखाओगे? वो दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे? लोग उनके हाथ पर लिख देंगे कि उनका बाप छिछोरा है। छिछोरा बाप? ये नौटंकी तुम्हें किसने सिखाई और तुम यहाँ कैसे आई? मैगी भाभी ने सही कहा था कि जब सब सो जाएंगे तब चोरों की तरह दबे पाओ समायरा से मिलने तुम जरूर आओगे, और तुमने वही किया। वही मैं चेक करने आई थी यहाँ पर, लेकिन तुम हर मर्द की तरह फिसलू और छिछोरे हो। छिछोरा तेरा वो भाई है, घटिया भाई देव, जिसका मैं गला दबाने वाला। मेरे भाई के बारे में कुछ मत बोलना। मेरे भाई का तो मैं खून कर दूंगा, क्योंकि उसने वो मेमोरी चिप घुमाई है जो जब तक तुझ में जाएगी नहीं तब तक ना मैं खा पाऊंगा, ना सो पाऊंगा, ना जी पाऊंगा, ना मर पाऊंगा। अरे कहाँ चले, बैठो इधर, मेरी बात पूरी नहीं। तेरे भाई का गला दबाने जा रहा हूं, तुझे शटडाउन कर दूंगा मैं। तुझे खाना नहीं दूंगी तुम्हें खाने के लिए। मैं खाना बनाती है ये घर में अभी। निकल जाओ मेरे कमरे से। मैगी भाभी ने सही कहा था, हर पति फिसलू और छिछोरा होता है। मुझे मेरे पति पर लगाम कसने के लिए कोई आइडिया सोचना होगा। मिल गया आइडिया। मेरा पति सिर्फ मेरा है,
और मेरा ही रहेगा।